गवर्नमेंट भले ही उनकी हो कृष्णा, सिस्टम तो हमारा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल। आज मैं आपसे अपनी फीलिंग शेयर करने वाला हूँ, एक ऐसी फीलिंग जिससे अगर आप कनेक्ट करते हैं तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। हम बचपन से, हमारे चाइल्डहुड से सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर में ऐसा हुआ, कश्मीर में वैसा हुआ, 90s में हिंदुओं को निकाला गया, कश्मीरी पंडित थे उनको वहाँ से विस्थापित कर दिया गया, प्रेशर के साथ, टेररिज्म के साथ उनको वार्निंग दी जाती थी तरह तरह की। लेकिन उस थॉट से हम लोग अभी तक कनेक्ट नहीं कर पाए थे। हम सुनते थे, पढ़ते थे, ठीक है, बिकॉज हम उस स्टेट में, उस एरिया में कभी रहे नहीं, क्योंकि हम तो अलग अलग एरियाज में रहते हैं। लेकिन एक ऐसी मूवी कश्मीर फाइल्स आपको वहाँ लेके जाएगी। एक ऐसा दर्द और ऐसा एग्रेशन जिसको बयां करना, कहना लफ्जों में नामुमकिन है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा भी कर सकता है। 2 घंटे 3 घंटे जब तक मूवी चलेगी आप थिएटर में नहीं, आप कश्मीर में होंगे। और कास्ट ऑफ द मूवी, सभी एक्टर्स ने कैरेक्टर को जिया है। एक एक लाइन, एक एक सीन समझ नहीं पा रहे थे कब हमें एग्रेसिव होना है, कब हमें रोना है। एट द एंड ऑफ मूवी ये तक रियलाइज हुआ लोगों को कि काश हम वहां होते, काश हमारी गवर्नमेंट कुछ करती। अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, द ब्रांड्स, एक्टिंग किसे कहते हैं किस मूवी से पता, और रियल डायरेक्टर ने जितना मैंने पढ़ा है, पहले सोचा था कि इसको एक सिंपल कमर्शियल मूवी नहीं बनाना है, लेकिन बाद में जब रिसर्च 2 साल की उन्होंने की है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया कि आम पब्लिक तक पहुंचेगी नहीं अगर कमर्शियल नहीं बनी। तो जिस फ्रेम में जैसा रियल था उसको वैसा ही परोसा गया पूरा। और थिएटर से निकलने के बाद भी आपके ब्रेन में वो चले ही नहीं, प्ले हो रहे हैं सीन्स, लोगों के रिएक्शंस शायद किसी मूवी के लिए आज तक ऐसे नहीं आए। क्या हमारी गवर्नमेंट उस समय इतनी कैपेबल नहीं थी कि इनके लिए कुछ कर पाती? और अभी भी इसमें पॉलिटिक्स हो रही है, इस पार्टी से उस पार्टी से है। फर्स्ट थिंग, मूवी पब्लिक के लिए है, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं। तो पब्लिक को रिव्यू करने दो प्लीज। बींग अ पॉलिटिशियंस, व्हाई यू आर स्प्रेडिंग योर थॉट्स? केजरीवाल जी कहते हैं कि यूट्यूब पे डाल दो, इस पे डाल दो, टैक्स पेइंग क्यों कर दें, व्हाई, क्यों स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? ऑलरेडी सब जानते हैं, सभी पॉलिटिशियंस को। तो अपना वक्तव्य देकर अपनी इमेज को बार बार रियलाइज क्यों कराना है पब्लिक को? I can't explain what I am feeling with this movie. कश्मीरी पंडित को उनके अपने घर से, अपनों के बीच से जबरदस्ती निकाल दिया जाता है। पार्टीज भी तो ह्यूमन से ही बनती हैं। किसी को दर्द नहीं आया, किसी को एग्रेशन नहीं आया। इट्स रियली वेरी शेमफुल कि उस टाइम कुछ प्रॉपर एक्शन नहीं लिए गए।
और जो भी कश्मीरी पंडित इस मूवी को देख रहे हैं जाकर वो बेटर रिव्यू दे सकते हैं कि कितनी रियलिस्टिक है, जबकि सभी कह रहे हैं कि उन्होंने जिया है इस चीज को, भुगता है इसको। कुछ मुट्ठी भर लोगों के नेगेटिव कमेंट्स से, डिनायल से क्या सिचुएशन बदल जाएगी पास्ट की? वो वहीं रहेगी। आज लगभग 20 साल बाद उस सिचुएशन को हम याद करके कांप रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं कि उस सिचुएशन में जो लाइवली पीपल्स ने देखा है वो किस तरह वहां से निकले हैं। एक जिंदा लेडी को फिल्म में, रियल सीन को फिल्माया गया है, जिंदा को काटते हुए दिखाया गया। सॉरी टू से दिस लाइन, बट क्या एक इंसान इतना भी हार्ड हो सकता है, इतना क्रूर हो सकता है? तो हम जी क्यों रहे हैं? सो प्लीज 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 मूवी को देखिए, अपने इंडिविजुअल रिव्यू दीजिए, अपना माइंडसेट बनाइए किसी पॉलिटिशियन या अदर रिव्यूअर के माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपना मन मत बनाइए। मेरी भी मत सुनिए, मैंने जो फील किया मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, क्योंकि मूवी देखने के बाद 200% आपके माइंड में आएगा कि काश आप वहां होते और कुछ कर पाते। इस मूवी का एक एक सीन ऐसा है कि उसको देखने के लिए आपको, क्या कहूँ मैं, कि आपको अंदर दिल चाहिए। जो कहते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, मैंने उनको रुके हुए देखा, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। अगर आप सिचुएशन से मूवी देखते समय कनेक्ट कर पाए, सर सूसू निकल जाएगा फ्रंट में कि रियल लाइफ में लोगों ने क्या क्या देखा होगा। इस मूवी को देख के लगता है कि हम किस जहान में रहते हैं। चारों तरफ जानवर ही जानवर होंगे, इंसानियत है ही नहीं। लिटरली लोगों को फीलिंग्स नहीं है, कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। और अगर आप मूवी देखने जाएंगे तो आपको बड़ा सोच समझ के जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आप इस उधेड़बुने रहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी क्या जरूरत थी। ऐसी मूवी सदियों में कभी एक आती है, आपको देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो, लेकिन जो ट्रुथ है वो ट्रुथ है, और जिन्होंने जिया है वो अगर इसको जस्टिफाई करे तो बेहतर होगा, यहाँ तक कि बाकी लोग करते जा रहे हैं। सो प्लीज फ्रेंड्स एक बार जरूर देखना, क्योंकि ऐसी मूवी विरले ही बनती है। आज अंदर से बहुत ड्राइनेस है, तो उसके साथ ही मैं आगे क्लोज करूँगा वीडियो, लेकिन लगा अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि किसी ने ऐसे मुद्दे को उठाया। अगर रिटर्न में कुछ आता था पेपर्स वगैरह में कश्मीरी पंडित साहब क्या हुआ, तो वो हमें उतना कनेक्ट नहीं कर पाते। जब हम उसको लाइवली देख रहे हैं तो हम उसको जी पा रहे हैं। सो आज का वीडियो यहीं तक, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।